तो इस आईयूपीएसी नेम, ये जो कंपाउंड है इसका हम आईयूपीएसी नेम करेंगे। देखिए किस तरह से, कई बार हमने देखा है कि अगर हम लोअर सम रूल देखें 1, 2, 3, तो ये फर्स्ट पे हमारे पास अल्कोहल लगा और सेकंड पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड लगी है। तो अगर हम लोअर सम रूल देखें तो इसमें ये 3 आ जाएगा। इसमें हमने अल्कोहलिक ग्रुप को प्रेफर किया है, बट अगर हम इस तरह से चलेंगे 1, 2, 3, तो यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर देखिए 1 + 3 = 4। तो लोअर सम रूल के अकॉर्डिंग हमें ये जो नंबरिंग है वो हमने लेसर देखी है और ये हायर है। तो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर आएगा जिससे हम नंबरिंग करेंगे और उसके बाद उसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम आईयूपीएसी नेम करेंगे, तो ये हमारे पास निकल के आया। तो देखिए सबसे पहले हमने लगाना क्या है, सबसे पहले वर्ड रूट, कितने कार्बन्स है, 3 कार्बन्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रॉप 3 कार्बन्स के लिए। और उसके बाद आएगा हमारे पास डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड हम डबल बॉन्ड या यहाँ पे अवेलेबल ही सिंगल बॉन्ड है, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड से हम प्रेफर करेंगे। तो इसका जो आएगा 2 आयन आ जाएगा फॉर ट्रिपल बॉन्ड। देन उसके बाद फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन सा, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप मतलब एल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसका लगेगा ओल। तो ये देखिए ये वॉवल है और ये भी, हमने इसके जो वॉवल को वो हमने प्रेफर करना है क्योंकि ये सुपीरियर है और ये फंक्शनल ग्रुप है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप जो है वो सुपीरियर मोस्ट पोजिशन पे हम प्लेस करते हैं, तो ये मैं ई कैंसिल कर रहा हूँ। तो इसका जो नाम आएगा वो आएगा आईयूपीएसी नेम प्रॉप 2 आयन 1 ओल। तो ये एल्कोहल टर्मिनल पे लगा हुआ है इसलिए हम इसको 1 लिख रहे हैं।